मैं आज आपको इस गेम में बताऊंगा कि टॉप वार जो गेम है इसमें रैंक पुश कैसे करते हैं। बहुत आसान तरीका है, तो शुरू करते हैं। देखिए जी, आपको अगर रैंक पुश करनी है तो देखिए रैंक पुश कैसे होती है। पहली चीज़ तो ये है कि या आप ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, इस वाले पे। इस वाले के मिशंस तो करते रहेंगे बट मेन ये वाले मिशंस होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर बता रहा है बी रैंक क्वेस्ट 4 स्टार्स। तो इसमें जो 4 स्टार्स वाले मिशन है वही हमको करने हैं, बाकी के जो मिशंस रहेंगे उसको आपको इग्नोर करना है। पहले इसके ऊपर प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। अब ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो है 4 स्टार वाला मिशन है एंड दिस वन इज 3 स्टार वाला, ठीक है। ये सिर्फ डेली आपको 10 मिशन ही देगा, ठीक है। एंड यू विल गेट सम लीजन पॉइंट्स हियर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम मैं अगर ये मिशन करता हूँ तो मुझे 45 लीजन पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये लीजन पॉइंट्स क्या काम करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लीजन स्टोर में जाओगे, यहाँ पर जो लीजन स्टोर है, आप यहाँ से ये सारे आइटम्स खरीद सकते हो। अगर आपकी रैंकिंग लाइक मेरी अभी रैंकिंग है कॉर्पोरल, ठीक है, तो कॉर्पोरल तक मेरी रैंकिंग पहुँच चुकी है, तो मेरे इतने सारे जो चीज़ें हैं ये अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे अगर इलाइट हीरो वोचर चाहिए तो मुझे सार्जेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसी तरह से अगर मेरे को फूड चाहिए तो मुझे स्टाफ सार्जेंट बनना पड़ेगा। एंड मुझे जैसा कि ये वाला आइटम चाहिए तो मुझे मेजर बनना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर मुझे ये वाली बुक चाहिए, ठीक है, ये वाली बुक चाहिए तो मुझे लेफ्टिनेंट कर्नल बनना पड़ेगा। एंड अगर मुझे ये वाला चाहिए, सोफेस्टिकेटेड ड्राइंग सिर्फ मैकेनिकल मास्टर से आपको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें अराउंड 5,000 या 10,000 जेम्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये ड्राइंग एक लगेगी, उसके ऊपर अगर आप मैकेनिकल ये हो, जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है ना, वो सिर्फ 45 लेवल पे अनलॉक होता है। तो मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे अनलॉक होता है। सो बेसिकली देखिए, इस वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप इकट्ठा करिए, ये जो मिलिट्री टिकट है, मिलिट्री टिकट लीजन स्टोर में इकट्ठा होता रहता है, यहाँ पे बताता रहेगा। बट आपको यूज़ नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका इससे क्या है ना, आर्मी रैंक पुश होगा, ठीक है। तो आर्मी रैंक पुश होने से फ़ायदा क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। सपोजिंगली देखिए, मैं अगर यहाँ पर ये वाला मिशन करता हूँ, ज्वाइन इन किलिंग 6 वॉर हैमर्स, ठीक है। अब मैंने एक कर लिया, बट अगर मैं 6 कर लूँगा तो मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा ये देखिए। यहाँ पे EXP मेन है, बाकी का तो ये सब तो गोल्ड हमारे गोल्ड माइन में भी बन जाएगा, बट ये चीज़ मेन है। EXP कितना मिलेगा, तो EXP मुझे मिल रहा है 6.06, ठीक है। और मैं अगर 3 स्टार वाला मिशन करता हूँ तो, एंड अब यहाँ पर देखो आप, 4 स्टार वाला अगर मैं मिशन कर लेता हूँ, 4 स्टार वाला मिशन अगर मैं कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 8.08 AA EXP। तो कौन सा वाला बेटर है, ये वाला या फिर ये वाला? ऑब्वियसली यही वाला है ना। तो फिर इसके ऊपर गो दबाओ, बेस पे जाओ एंड इस पे क्लिक करो, गैदर पे जाओ एंड योर आर्मी को आप इधर भेज दो, ठीक है। कुछ देर में आर्मी वहाँ पे पहुँच जाएगी एंड यू विल गेट द पॉइंट्स विच यू वांट, ठीक है। सो बेसिकली इससे क्या होता क्या है, ये जो आपको मिलता है ना 0.08, वो यहाँ पर जमा होता है, लेवल अप में जमा होता है, ठीक है। तो अभी देखिए 111 AA मेरा लेवल चाहिए, मुझे 111 AA EXP चाहिए। टोटल 4
113 AA होता है EXP के, जिसमें से मैंने 302 इकट्ठे किए हैं सारे मिशंस करके। तो इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा, ये आप याद रखना ठीक है, इसमें ज़्यादा मिलेगा। सेकंड जो ज़्यादा मिलता है वो होता है आइलैंड। अब आप आइलैंड में जब जाएंगे, आइलैंड पे देख सकते हो यहाँ पे प्रीसेट फॉर्मेशन बता रहा है। एक बार फॉर्मेशन आपकी सेट हो गई तो आप जब तक आपका रीसेट नहीं दबता, रीसेट वाला जब बटन नहीं दबता ना, तब तक ये ही वाला जो है चलता रहेगा। तो अभी देखिए मेरे पास जो है आर्मी वो थोड़ी कम है, तो कोशिश करते हैं, देखेंगे। एयरफोर्स लगा रहा हूँ मैं, एंड एयरफोर्स के लिए बेटर हीरो कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से, तो एक वेड को ले लो, एंड एक SSR, कोई भी हीरो ले सकते हो, बट SSR हीरो अभी अनलॉक करा हुआ नहीं है। तो मैं डॉक्टर जीरो को लेता हूँ ठीक है, एंड फिर से इसको सेट करना है पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो गया जी सेट ठीक है। अभी सेट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है इसमें, एंड यहाँ पे एक मिनट आई, एक सेकेंड, मैं इसको ना प्रमोट कर देता हूँ ठीक है। प्रमोट करने से होगा क्या, ये इसको अनुक्यूब किया और इसका जरा पावर बढ़ा देते हैं। आर्मी नहीं, नेवी, एयरफोर्स वाला स्किल है ना, तो एयरफोर्स वाला स्किल लगा देता हूँ क्रिटिकल का, तो क्रिटिकल डैमेज ये है। ओके, आई थिंक SSR हीरो को ही सपोर्ट करेगा ये वाली लग सकती है, ये वाली नहीं लगी ठीक है, कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, आर्मी की लग जाएगी शायद, नहीं लगेगी, ओके कोई नहीं। सो हम गोल्ड गैदरिंग, नहीं फूड गैदरिंग बढ़ा देता हूँ भाई, क्योंकि ऑलरेडी एक हीरो को भी जाया ना वहाँ पे, तो ये ठीक रहेगा। एंड क्रिटिकल डैमेज तो ऑलरेडी इक्विप करी भी है इसमें, सो लेट्स ट्राई। एंड मिस्टर डॉक्टर जीरो को भी मैंने इक्विपमेंट नहीं दिया है, तो एक इक्विपमेंट इसको भी दे देते हैं ताकि ये भाई साहब अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर पाए। डॉक्टर जीरो इस नेविगेशन ऑफिसर, ओके तो नेवी वाले पे जाओ, सॉरी एयरफोर्स वाले पे जाओ, ये वाला एयरफोर्स है ठीक है। एंड यहाँ पे आप क्रिटिकल डैमेज ले लो, अगर इक्विप नहीं हो रहा तो सिंपली आप क्या करो, कोई दूसरा वाला स्किल लगा दो, गैदरिंग वाला सपोर्टिव स्किल, एक्सक्यूज मी। सो इससे क्या होगा कि जो दूसरे जो गैदरिंग रिसोर्सेस के जो चीज़ें हैं ना, वो अच्छे से मतलब कलेक्शन में बूस्ट करेंगे। सो आर्मी हिट टोरा भी नहीं इक्विप कर रहा है ये, कोई नहीं देखते हैं। ओके सो आई थिंक यहाँ पर कुछ सपोर्ट मिल रही है इसमें, आर्मी क्रिटिकल मेरा फेवरेट है भाई, क्रिटिकल वही लाई लगाता हूँ मैं ठीक है। तो लेट्स ट्राई विद दिस कॉम्बिनेशन, एंड एक बार और हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, कंपोनेंट्स को थोड़ा मर्ज कर लेते हैं ठीक है। कंपोनेंट्स मर्ज हो गए और मेरे पास आ गए लेवल 5 वाले कंपोनेंट्स। अभी देखता हूँ यहाँ पे क्या, एंड ट्रूप्स पे जाऊँगा यहाँ से, आई एम सेंडिंग द एयरफोर्स ना, तो यहाँ पे रिप्लेस करना है दिस वन और चेंज, एंड दिस वन विथ रिप्लेस विथ क्रिटिकल डैमेज, एंड हम यहाँ पे लेंगे ये भी क्रिटिकल बफ ठीक है। तो वेपन बफ हो गया, क्रिटिकल बफ, डैमेज एंड दिस वन ठीक है, ऑल कॉम्बिनेशन हो चुका है मेरा, एंड यहाँ तो अपग्रेड चल रहा है वैसे, कोई नहीं चलो।
इसको चलने दो। मैं करता हूँ यहाँ से प्रीसेट फॉर्मेशन का एक बार फिर से सेटिंग, ठीक है जी। ये हो गया जी सेट। अब मतलब हम लोग यहाँ पे आइलैंड पे आ चुके हैं, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो आपको EXP कितना मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ देख लेना कि यहाँ पे EXP कितना मिलता है आपको। रश बटन दबाओगे तो क्या होगा, डायरेक्टली ये सीधा रश कर देगा, ठीक है। सो पास स्टेज डू फाइव, ठीक है, 5 स्टेज तक आपको आना पड़ेगा अगर रश करना है तो, ठीक है। तो कोई नहीं, मैनुअल का खेलते हैं। अब ज़्यादा वाले पे मत जाना, कम वाले पे जाना, क्योंकि कम वाला जो है ना आपकी HP थोड़ा कम गिरने देगा। बट मैं कोशिश करता हूँ जाने की, एक बार थोड़ी HP कम हुई। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे फिर। ये क्या दे रहा है, आइलैंड बफ, एयरफोर्स का आइलैंड बफ तो मेरे को चाहिए था। तो आप यहाँ पे बफ देख सकते हो कि आपको क्या क्या बफ मिला है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने कितनी अपनी HP लॉस की, यू ऑल कैन सी द रिपोर्ट इन द आइलैंड लॉग, ठीक है। तो अब मेन आ गया जी स्टेज 1 का बॉस। अब ये स्टेज 1 का बॉक्स ही बॉस इतना उसका EXP देगा जब हम इसको ख़त्म कर देंगे। एंड यू विल गेट ऑल्सो द कॉम्पोनेंट्स, ओके। लेवल 3 के कॉम्पोनेंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं आपको। बट अगर आप ये स्टेज में सर्वाइव नहीं करते हो, स्टेज 1 में ही नॉक हो जाते हो ना, तो फिर नेक्स्ट स्टेज सिर्फ 3 चांसेस ही मिलेंगे। एंड अगर 3 चांसेस में आप ख़त्म हो गए तो होगा ये कि आपको सिर्फ 48 आवर्स के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट ये होता है, आपको चांस मिलते हैं, नेक्स्ट 3 चांसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखिए 485 T दे रहा है, एंड यहाँ पे 404 आपको EXP दे रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है ये थोड़ा ज़्यादा है। ऑल यूनिट क्रिटिकल रेट फायर, ये भी पढ़ा लो भाई। आर्मी आर्मी मेरे को नहीं चाहिए। इसमें भी मैं इसको मार लूँगा आराम से। ओके, 10 शायद 10 HP गई मेरी, कोई नहीं। अब यहाँ पे 768 T डैमेज, ओ सॉरी EXP मिलेगा। नेक्स्ट 3rd स्टेज में आ गया मैं। अभी यहाँ पे देखता हूँ, इसको मारने की कोशिश करूँगा। क्रिटिकल अगर अपन रखते हैं ना, तो क्रिटिकल से होता ही है कि आसानी से एनिमी जो है ना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी क्रिटिकल डैमेज हो मिल जाता है ना, तो उससे जो है क्रिटिकल जल्दी हो जाता है, तो उसकी हेल्थ वैसे ही नहीं रहती। सो क्रिटिकल बफ एंड क्रिटिकल डैमेज ये आप लगा के खेलोगे तो इन स्टेजेस में आपको शायद बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेज पे पहुँचने के बाद कभी भी गलती मत करना, कभी भी इस वाले पे नहीं जाना, क्योंकि आपका जो ये वाला लेवल है 45 लेवल है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको बैक स्टेज आके बता देता हूँ। यहाँ देखिए मेरा लेवल 44 है, ठीक है, और मेरा आर्मी का लेवल ऑफ रैंक क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गैराज में जाके बताता हूँ, गैराज में ही जाना पड़ेगा, 1 मिनट। गिराज, ये है जी मेरा आर्मी का लेवल, ठीक है। तो आर्मी भी डैमेज हुई आपको जैसे कि दिख रहा है। सो मैं उनको रिपेयर पे लगा तो दिया हूँ, एंड ये कुछ पुरानी आर्मी है तो उनको मर्ज करके हम जो है इकट्ठा कर लेते हैं, एंड विल सी। ओ सॉरी, मैं एयरफोर्स बताना चाहूँ वो चाहिए था आपको, सॉरी यार थोड़ा गलती हो गई। तो ये वाली जो लेवल है अभी मैंने 42 कर ली इसको, ठीक है। तो पहले 41 थी, एंड 41 से हम अगर 42 को लड़वाएंगे तो क्या हम उनको डैमेज दे पाएंगे या नहीं, ठीक है। एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें मर्ज करके फिर वापस भी जाना है, ठीक है। तो
सेकेंड्स में ये लोग वापस आ जाएंगे एंड आई विल शो के कहाँ कहाँ से ज़्यादा EXP पड़ती है। तो EXP दूसरी जगह यहाँ भी है। मैं आइलैंड के बारे में तो जैसे आपको बता दिया कि उसमें जो है 15 स्टेजेस होते हैं, बट मैंने अभी तो 3 स्टेजेस किए हैं। तो ज़्यादातर EXP यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। 3x आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो यू कैन सी जहाँ कहाँ कहाँ पर EXP ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसने लगाया है रिसर्च पे, ठीक है। तो आप रिसर्च में भी कौन सी वाली बिल्डिंग पे ज़्यादा मिलेगी ये आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो रिसर्च में आप जैसे ही क्लिक करोगे और इस वाली बिल्डिंग पे आप जब क्लिक करोगे रिपेयर रूम, ठीक है, इसमें आपको 3 गुना EXP मिल जाएगी, ठीक है। एंड इस वाले पे जब आप क्लिक करोगे इस वाले में भी आपको 3 गुना EXP मिल जाएगी। एंड ये वाले में जैसे कि मर्ज गोल्ड माइन है एंड बिल्ड गोल्ड माइन, इस वाले में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लिंक होके कि कितनी EXP आपको मिलती है। 35.2 AA मिल जाएगा अगर मैं ये सारे कंपोनेंट्स इसके सॉरी कंपोनेंट्स मैं कह रहा हूँ आइटम्स इसके जो मुझे मिसिंग है अगर मैं इसको इक्विप कर लेता हूँ। इतनी EXP मुझे मिल जाएगी। ये एक और रास्ता था, ठीक है। अब एक और रास्ता ये है कि आप यहाँ से जो है ना बैरक्स को तैयार करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैरक्स तैयार करो। एंड गोल्ड माइंस काफ़ी महंगी होती है, तो देख समझ के जितनी चाहिए उतनी ही, ठीक है। तो अगर आप न्यू सर्वर खेल रहे हो तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये जो गोल्ड हार्वेस्टर होता है इसमें सिर्फ 20 गोल्ड माइंस की ज़रूरत पड़ेगी, और सॉरी 10 गोल्ड माइंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर आप न्यू सर्वर खेल रहे हो तो। अगर आप ओल्ड सर्वर खेल रहे हो तो आपको 20 गोल्ड माइंस फुल्ली अपग्रेडेड होनी चाहिए। जैसे कि मेरे यहाँ पर फुल्ली अपग्रेडेड है तो यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक नज़र आएगा। तो एंड मेरे पास 10 गोल्ड माइंस ऑलरेडी है। तो जैसे कि अब मेरे पास 44 लेवल का गोल्ड माइन मेरे को चाहिए था वो है नहीं, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्रॉस बता रहा है, यहाँ देख सकते हो अब ये क्रॉस बता रहा है, ठीक है। तो ये 40 लेवल, ये वाली है 42, ठीक है। तो मुझे चाहिए 44 वाली, बट मेरे पास 42 वाली है। तो अब जो अगर आप टैक्स करोगे इसका टैक्स जो है ओल्ड वाले सर्वर में होता है, बट न्यू वाले सर्वर में ये टैक्स के लिए जेम्स यूज़ होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 40 गोल्ड माइंस लगा रखी है, सिर्फ 10 गोल्ड माइंस ही काम करेंगी, बाकी की जो गोल्ड माइंस है वो मतलब डमी है, उसका कुछ रोल नहीं है, वो कुछ काम नहीं करेगी, सिर्फ टाइल्स ऑक्यूपाई कर लेगी। सो बेटर है कि आप इसे डिलीट ही कर दो भाई, ठीक है। तो वैसे टैक्स करके देखते हैं कि कितना हमें मिला, चलो कुछ तो मिला। अब उसके बाद आप जो भी कलेक्ट करना है ना यहाँ से जब क्लिक करोगे तो हमेशा ये आपको जेम्स ही मांगेगा, ठीक है। सो वापस मेरी आर्मी आ चुकी होगी शायद, बहुत देर हो गई। सो नेवी एयरफोर्स एंड इसको सबको जो है मर्ज कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। ये तो ऑलरेडी मर्ज्ड है, ओके। तो ये सब कुछ मर्ज हो गया। एंड यहाँ पर आप क्या करना कि इसको भी गोल्ड माइंस को भी मर्ज कर देना, ठीक है। मैं मर्ज करके इसलिए रखता हूँ क्योंकि जब जब भी मेरे को मतलब अपनी कुछ मिशंस करने होते हैं तो फटाफट मेरे को जो है आइटम्स मिल जाती हैं मर्ज प्लान के, ठीक है। तो फटाफट से मैं मिशन स्टार्ट कर देता हूँ। एंड होता ही है कि गोल्ड माइंस ऑलरेडी रेडी रहती है ना, तो वैसे भी CP भी बढ़ता रहता है, CP भी जो है घटता नहीं है गिरता नहीं है, ठीक है। तो इसमें CP में भी आपको थोड़ा ये रहेगा, फायदा रहेगा, ठीक है। तो CP बढ़ाना है तो आपको गोल्ड माइंस बनानी पड़ेंगी एंड
ज़्यादा से ज़्यादा बैरिक्स रखना, मैक्सिमम 30 बैरिक्स, एंड मैक्सिमम आर्मी जितने भी आपके एरिया में जगह हो पूरी आर्मी भर देना, ठीक है। बाहर की जो भी स्पेस होगी यहाँ पे आप क्या करना कि अगर मैं इसको, ठीक है, यहाँ से ऐसे मर्ज करके तभी आप इन्हें काम पर लगाना, ठीक है। इनके मर्ज कर दो, इनका आपकी कोई प्लान नहीं है, इनका इनका कोई जोड़ीदार नहीं लग रहा, ठीक है। ये लेवल है 41 एंड ये लेवल 40 है, 42 एंड 42, ठीक है जी। मैं इनको काम पे लगा देता हूँ, ये भाई साहब को काम पे लगा दिया हमने। तो जब भी मैं एक एक शिप को जो है ट्रेन करूँगा, मेरे को यहाँ पे कुछ एज पर द स्टेज के हिसाब से ये कुछ EXP पॉइंट्स देता रहेगा, जैसे कि 0.04 EXP, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, सो आई कांट से कि कितना ये एग्जैक्टली देगा, बट मेरे हिसाब से ये आपका स्टेज का 0.45% देगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट करना ये है, अब बैरिक्स में बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बैरिक्स करके बना देना आप, ऐसे बैरिक्स बना दो फटाफट, जितनी हो सके हर जगह बैरिक्स भर दो, ठीक है। सारी की सारी बैरिक्स ही भर दो भाई, जगह और आपको रहेगी, आप डिलीट भी कर सकते हो, बट इससे क्या होता है ना, लेवल अप करने में आसानी होती है, ठीक है। अब मैंने बैरिक्स भर दी, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना कुछ ऑलरेडी अपग्रेडेड वाली बैरिक्स है, तो ये 42 वाली, ये 40 वाली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 42 वाली को स्टार्ट कर दूँगा। इससे क्या होगा, जो जहाँ पे जो जगह खाली है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये जगह खाली है, वहाँ पे जो है ना ट्रूप्स अपनी स्पेस ले लेंगे एंड वहाँ पर ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इससे होगा ये, एक फ़ायदा ये है कि ट्रूप्स जो है ना बीच में यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं आ सकते, ठीक है। तो आप एक सेट करके जो है जमा सकते हो, अच्छे से डेकोरेटेड बना सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। सो मैं इनको तो डिलीट कर दूंगा बाद में, ये जो एक्स्ट्रा गोल्ड माइंस है इनको तो, मतलब यहाँ पे जेड 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 का जो आ रहा है तो ये मतलब ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ डमी बनी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसा बता रहा था, बट मैं इसको डिलीट करूँगा एंड फिर से मर्ज करके नए गोल्ड माइंस बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड माइंस बन गई एंड हमने भी बैरिक्स को बना लिया। तो अराउंड कितनी है मेरे पास बैरिक्स, कुछ हिसाब नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं। मैं इसको भी ऐसे ही बना रहा था, ठीक है। ये एयरबेस है, एयरबेस को भी मैं ऐसे ही बना रहा था, गोल्ड माइंस को भी ऐसे ही बना रहा था, बट आर्मी पे मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तो खैर कोई बात नहीं। ये इन लोगों को मैं डिलीट करके फिर दोबारा क्रिएट करूँगा, पैसे की तो कोई कमी नहीं है बोर्स में, हर चीज़ आपको टाइम पे मिलती रहेगी। एंड एक चीज़ है कि आप जब भी मर्च करते रहोगे तो इस पर ध्यान ज़रूर देना, अर्सनल अर्सनल का ये जो सप्रेस है, सप्रेस में ये जो इक्विपमेंट आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो वाले इक्विपमेंट है इसको आप अपग्रेड करोगे, रिसोर्सेस लगते हैं यहाँ पे, रिक्वायरमेंट रिसोर्सेस है, तो ये रिसोर्सेस लगा कर इसको अपग्रेड करोगे तो आपका जो अटैक बोनस वगैरह जो परसेंट है वो कुछ हद तक बढ़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये SAM इक्विपमेंट है एंड इंक्रीजेस आर्मी टू एयर डैमेज, ठीक है। आर्मी टू एयर डैमेज इसका बढ़ जाएगा 22.8% एंड 22.8% से सीधा 24% हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एंड विच कॉम्बिनेशन इज़ बेस्ट वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि विच कॉम्बिनेशन इज़ बेस्ट, अगर एनिमी के पास आर्मी है और आपके पास नेवी है सो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है एंड हीरोज़ कौन से लगाने हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है।
तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं वापिस से आइलैंड के बारे में। तो मैंने बता दिया हाफ पार्शियली, मैंने इसको इतना हद तक बताया, बट आगे चल के मैं इसको थोड़ा ये स्टेज तक ला के रोका हूँ, बट आगे मैं इसको बढ़ाऊँगा ज़रूर। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, लेवल 3 स्टेज तक आ चुके हो, और 48 आवर्स के अंदर अगर आप पूरे स्टेजेस कंप्लीट नहीं करते, ठीक है, तो ये फिर से दोबारा रिस्टार्ट होगा, बट पॉइंट्स आपको मिलता रहेगा ये, और जमा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जमा हो जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन ना लेना, बट ज़रूर इसमें मिशंस करते रहना। इससे क्या होता है कि आपका जो ये होता है EXP बूस्ट होता रहता है, एंड इससे आप फटाफट लेवल अप होके ग्रो हो सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपनी आर्मी यहाँ से बुला ली थी फील्ड से, तो आर्मी का जो मेरा 4 स्टार वाला मिशन है वो एक कंप्लीट हो गया, एंड 3 स्टार वाला भी एक मिशन कंप्लीट हो गया, तो दोनों को मैं क्लेम कर लूँगा। सो अभी सिर्फ 2 मिशन्स बचे हैं, एक स्पीड अप वाला है, एंड दिस स्पीड अप के लिए कैसे करना पड़ेगा आपको, बेस में जाइए। बेस में जाने के बाद यहाँ पर जहाँ पर आपने बैरिक पे ट्रेनिंग लगाई थी, या इस पर जिस पर भी आपको एक क्या करना है कि एक सिर्फ एक लेके इसको यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लेम कर लेना, ये 4 स्टार वाला मिशन था, ये हो चुका है, एंड आपके अकाउंट में ये वाले अमाउंट पैसे भी जमा होते रहेंगे, यानी गोल्ड कॉइन्स भी जमा होते रहेंगे। बट ब्रो प्लीज़ इसको मत यूज़ करना, ये जो बता रहा है ये लीजन पॉइंट्स होते हैं, लीजन पॉइंट्स यहाँ पर लीजन स्टोर में यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आप शॉपिंग कर सकते हो, बट प्लीज़ शॉपिंग करना है अगर आपको इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्टेड है तो फ्लैश स्टोर से कर लो जेम्स के थ्रू, एंड VIP स्टोर से कर लो अगर आप मनी स्पेंडर हो तो। ठीक है, या फिर आइटम स्टोर से कर लो अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मेरे पास जेम्स पड़े हैं 8,000, तो मैं जब चाहे कुछ भी आइटम खरीद सकता हूँ, तो मैं इसको फ़िलहाल तो अभी जमा कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मेन होती है आर्मी रैंक, जितनी ज़्यादा आपकी आर्मी रैंक होंगे उतने तगड़े मिशंस आएंगे, एंड उतनी ही आपकी पावरफुल आर्मी बनेगी, एंड आप उतने ही ऊपर ऊपर लेवल पे जाते जाओगे बड़ी आसानी से। सो दिस इज़ द वीडियो एक बिगनर के लिए, जो भी ये वीडियो को देखे प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ आपका डॉट्स एंड कमेंट्स को भी ज़रूर पोस्ट करना, सो मैं उनको पढ़ूंगा एंड आंसर भी करूंगा, और वीडियोस भी बना के उसका जवाब भी डालूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।